बकरीद मुबारक। तो अब हम लोग चल रहे हैं कुर्बानी करने के लिए। हेलो फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मितारी सैफुल्ला एंड हिज माय ब्रो खालिद सैफुल्ला, और आप सभी को हम दोनों भाइयों की तरफ से बकरीद मुबारक। तो आज है ईद उल अधा और आज के दिन होती है कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब होता है सैक्रिफाइस। तो ये जो त्यौहार है वो सैक्रिफाइस का त्यौहार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर से आ रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं सबसे जो आपको पसंदीदा है उसको कुर्बानी कीजिए। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, हम लोग लगा देंगे, आप लगा लेंगे, देख लेना। तो उस जमाने से इस जमाने तक और फिर कयामत तक ये चलते आएगा और इसका सवाब मिलते रहेगा। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबों के कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। तो चलिए, लेट हो रहा है, नमाज पढ़ने चलते हैं भाई, फिर आते हैं तो फिर कुर्बानी करते हैं। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهته يا قلب ظريفا جلدي آؤ برتن لے کے ٹھیک آ گیا برتن لے آئے ہیں چلا جائے हेलो फैमिली, तो अब हम लोग चल रहे हैं कुर्बानी करने के लिए। ड्रेस भी हम लोग चेंज कर लिए, नमाज पढ़ के आ गए। आप सबों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से, और अल्लाह हम लोग कुर्बानी को कबूल करे। और प्रॉपर जो तरीका है, जो कुर्बानी का गोश्त है उसको तीन जगह प्रॉपर बांटे, एक खुद के लिए, एक रिश्तेदार के, एक गरीब के लिए। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, अपना थोड़ा कम हो जाए और गरीबों का कम नहीं होना चाहिए। गोश्त को बचा के ना रखें, सीन करते हैं हर जगह। चलिए चलिए करके आते हैं, आते हैं। फैमिली, तो हम लोग जो है लंच करके आ चुके हैं और मेरे साथ तला मामू है, शिवम है, और ये पंकज है, और ये साहिल हाफिज जी हैं। और हम लोग अब निकले हैं, बहुत खा लिए हैं घर पे, हर किसी के घर पे कुर्बानी हुआ। मेरे भाई लोग का दावत है, आप लोग चलिएगा, रात का दावत है। और अभी हम लोग चल रहे हैं अशरफ की दुकान पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हम लोग खा चुके हैं, तो कोल्ड ड्रिंक कुछ पियेंगे। तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं, गाड़ी स्टार्ट किया जाए। आओ जाए, लव यू। फाइनली हम लोग अशरफ भाई के दुकान पे आ गए, और ये अशरफ भाई के छोटे भाई हैं। अक्सर कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हेवी खा लो, शादी वादी में या फिर ईद बकरीद में, तो भाई के पास आता हूँ पचाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं, एड्रेस जो है दुर्गा मंदिर के पास है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे दीवाना भाई हैं, इनका यूट्यूब पे चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई बहुत अच्छे डांसर है, डांस करते हैं। तो अभी तक इनका डांस नहीं देखा है तो वहाँ देखो, जाके भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो भाई, सत्यम भाई कुछ बोलना चाहते हैं। जी भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार आप सभी को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। रहा बात डांसर का, तो बहुत बड़े डांसर तो है नहीं हम, फिर भी आप लोग को इंटरटेन करने के लिए थोड़ा मोड़ा डांस कर लेते हैं, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू गाइस। तो अभी रात का वक्त है और हमारे साथ रात का खाना खाने के लिए दस्तरखान पे बैठे हैं शिवम, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेहमान नवाजी का मौका दिया। तो ये देखिए, ये मटन है जो कुर्बानी हुआ है, मैं देना चाहूँगा आपको। कुर्बानी मालूम है, कुर्बानी जो फेस्टिवल है बहुत गर्म है। कुर्बानी मालूम है क्यों मनाया जाता है? एक नबी थे, प्रोफेट हमारे, तो वो ख्वाब में देखे थे सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो, तो उनका सबसे प्यारा बेटा था, तो उसी को लेकर चले गए थे भगवान के राह में कुर्बान करने के लिए। और जब भगवान की राह में लेके गए और लिटा दिए पत्थर पे, उनका बेटा कहा कि आप आँख बंद कर लिए चला में कुर्बान करने के लिए, जिस तरह छुरी चलाए ना, तो उनके जगह पे मतलब सौर जानवर को दुम्बा को भेज दिया गया। तो उस टाइम से आज तक लोग कुर्बानी देता है। हाँ, ये खाओ, समझे, खाओ, ये है, खाओ दबा के, ठीक है, और मैं भी खाऊंगा, और कुछ चाहिए? खाओ 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 खाओ, कोई बात नहीं है, समझे। और बताओ ना, सुबह से क्या किए? इसके बाद भी चलोगे क्या अशरफ के दुकान पे? दोपहर में तो तुम आए नहीं थे, मैं खाया, फिर तुम लोग से सागर पोखरा में मिला, फिर अशरफ के दुकान पे गया। टेस्ट बताओ तो कैसा बना है। वैसे तुम कहीं का भी खा लो, कहीं फाइव स्टार होटल ताज में भी खा लो, लेकिन इसका जो स्वाद है भाई, क्योंकि ये जो स्वाद है वो तो माँ का स्वाद है, तुम खा के देखो। हाँ, लाजवाब, ऐसा स्वाद मिलेगा कहीं भी? नहीं, माँ का स्वाद माँ का स्वाद होता है, घर का स्वाद घर का स्वाद होता है। वाकई जो खाना है काबिल तारीफ है, और माँ आपके हाथ में तो जादू है। आई लव यू।
अच्छा एक बात बताइए गाइस, आप कहीं का भी खाना खाओगे मम्मी से बढ़िया कोई भी खाना खिलाता है? नहीं खिलाता है। आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, लव यू। चलिए खाइए, ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह, पेट भर गया। हे फैमिली, तो हम लोग खाना खा चुके हैं और पेट जो है बहुत ज्यादा भर गया, और इतना ज्यादा खा लिए कि फील लाइक वेटिंग, उल्टी लग रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर और चल के कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक में हम लोग पियेंगे कोका कोला। ओके, राजा जाई में भरे ले ले आई कोका कोला। तो चलो फिर कोका कोला पीते हैं। चले गाइस, तो मिलते हैं फिर कोल्ड ड्रिंक के दुकान पे जहां पर हम लोग आफ्टरनून में गए थे। तो चलते हैं फिर नाइट में भी। तो गाइस चलिए। फाइनली हम लोग अशरफ भाई के दुकान पे आ चुके हैं। आफ्टरनून में आए थे तो छोटे भाई से मुलाकात हुई, और नाइट में आए हैं तो ये उनसे बड़े वाले भाई से मुलाकात हुई है। और बड़े वाले अशरफ भाई हैं, उनसे मुलाकात ही नहीं हो रही है आज। कहाँ है अशरफ भैया? भैया थोड़ा कोका कोला दे दीजिए 4 लीटर। तो 4 लीटर कोका कोला यहाँ से हम लोग लेंगे और जाएंगे तला मामू के घर, वहाँ पर खोलेंगे और वहाँ पर पियेंगे और खाना को पचाएंगे, क्योंकि मामू ने हमें दावत दिया था। लेकिन मैंने मामू से कहा कि अब हमारे पेट में जगह नहीं है बिल्कुल। तुम्हारे खाने का इच्छा है? थोड़ा जगह है तो बस अब हम लोग खाना को पचाएंगे। खा तो लिए, तो चलिए गाइस। ए राजा जाई न बजारे ले ले आई एगो कोका कोला। ए फैमिली, तो हम लोग मामू जान के घर पहुंच चुके हैं। लव यू, लव यू टू। तो और यहाँ पे देखिए पार्टी कैसे चल रही है। ये देखिए लंबे लंबे बाल वाले उज्जवल भाई हमारे, और ये भाई लोग हैं, सब कोई खा रहे हैं बढ़िया से। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं खा नहीं पाऊंगा, भाई लोग भी मेरे घर से खा के आए हैं, आप वीडियो में देख लीजिए ये लोग खाए हैं। ओके, ओके। तो ये कोल्ड ड्रिंक मैं लाया हूँ और आप लोग को ये तकसीम करवाऊंगा, और एक यहाँ पे आपके दोस्त के लिए, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। इसको आप पीजिए और थोड़ा मैं ही पीऊंगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे, उम्मीद करते हैं आपको भी ये ब्लॉग बहुत ही बढ़िया लगा। और चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबा दो कि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहे। और सब किसी को फिर से अगेन हैप्पी बकरीद भाई, लव यू। आपको भी लव यू, लव यू, लव यू। इधर इधर एक मिनट, इधर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर दीजिए, वहां हम लोग बात भी कर सकते हैं। बाय बाय कर दीजिए। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।